तो चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां उज्जैन पुलिस की सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। बता दें कि एसपी प्रदीप शर्मा की टीम ने दो जगह पर दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली कि मजदीपा के पीयूष चोपड़ा नाम सटोरियों के यहां आईपीएल क्रिकेट के सट्टेबाजी की जा रही है। पुलिस ने दोनों स्थानों से गेमिंग और क्रिकेट का सट्टा पकड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों घरों में करोड़ों रुपए नगद मिले हैं। देर रात 2 बजे से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने नोटों की गिनती करने के लिए 3 नोट गिनने वाली मशीन बुलवाई। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि कार्रवाई फिलहाल जारी है। है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ, सट्टा और अन्य संगठित अपराध पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआ क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा, जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपये में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेकर हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, उसके लिए जो है आईटी और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है, ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रैवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं, ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाने पाए। बात करते हैं सिवनी जिले के लखनादोन तहसील के, जहां पर युवती की मौत का मामला सामने आया। युवती के परिजनों ने बताया है कि युवती की शादी 1 साल पहले की थी। शादी के 6 महीने बाद से ही मृतक युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं पीड़ित परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। लड़की की शादी ग्राम निवारी टोला लखनादौन में हुई थी। उसका पिता का नाम रज्जूलाल आदव और लड़का का नाम मनोज आदव था। शादी के 6 महीने बाद इनने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लड़की को बहुत परेशान करने लगे और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे लोग, दहेज को प्रताड़ना करने लगी कि हमें फोर व्हीलर चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। और इसके बाद लड़कियां ने फोन की तो फोन छोड़ा लिया गया उनका। परेशान करते भी और खेत में बच्ची, खेत में कही बेटा इतनी दुबली काय हो रही है, तो माँ जिस रात दिन टेंचती हैं, फोर व्हीलर मांगती है और कोई लड़की के साथ रहते हैं बोलो। और इसके बाद में बिटिया ने मेरे से बोली कि जो बच्चा छोड़ दो वो माँ मैं के रख ली, तो मैंने कही मैं ले जाऊँ, तो भी खड़ी हो गया आने, तो मैं घर आई, मैंने अपने लड़का से बताई, तो उस दिन करने लग पानी। वहाँ पर मेरी सिस्टर को शादी के 2-3 महीने होने के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसके बाद में उसको दहेज के लिए मांगा जा रहा था कि मुझे फोर व्हीलर चाहिए, मैं बैंक का अधिकारी हूँ, मुझे इतने में कुछ नहीं होता। मेरी सिस्टर पढ़ी लिखी शिक्षित थी और वहाँ पर रह रही थी, तो मेरी सिस्टर ने बताई कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है और दहेज के लिए मांगा जा रहा है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ चाहिए मुझे। और उसके बाद में मेरी सिस्टर को
उनके परिवार द्वारा सभी लोग से परेशान किया गया, उनकी सिस्टर, उनके पापा, उनका देवर और उनके मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सभी लोग परेशान कर जा रहे हैं। मेरी सिस्टर का हस्बैंड का नाम मनोज यादव है और उनके पापा का नाम रज्जू यादव है और उनकी माँ का नाम शशि यादव है और उनकी सिस्टर का नाम लक्ष्मी यादव है। इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके मेरी सिस्टर को मार कर और फांसी में लटका दिया गया।